मजदूर की मजदूरी देने के लिहाज से यानी उजरत देने के लिहाज से इस्लाम की क्या तारीमात है, हवाले से हदीस के तनाजुर में हमारी रहनुमाई फरमा दे। जज़ाकअल्लाह खैरन। देखिए, इस हवाले से सही बुखारी की हदीस नंबर 2227 में आता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है, आपने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह सुबहानहु व तआला तीन आदमियों के खिलाफ खुद मुद्दई बनेगा। उनमें से एक शख्स वो होगा जो किसी मजदूर को या किसी मुलाजिम को रख ले और उससे काम या मजदूरी तो पूरी ले, लेकिन उसको उसकी मजदूरी या उजरत पूरी न दे। 1 मई लेबर डे है, लाहौर डे है, जो पाकिस्तान में मनाया जाता है अक्सर व बेशतर तातील की सूरत में। पब्लिक हॉलीडे है, स्कूल्स वगैरह सब ऑफ होते हैं। इसमें हमारी आवाम को ये समझना चाहिए, हमारे इस्लाम ने कोई भी पेशे को मायूब नहीं समझा। अगर हम अपने अम्बिया अलैहिस्सलाम की लिस्ट निकालें तो उनमें से तमाम अम्बियाओं के कोई ना कोई काम ज़रूर था। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात अर्ज करूं, फन जराह तादील के इमाम अल्लामा इब्ने अलजौजी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं और वो फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से इरशाद है, आपने फरमाया नंबर एक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हल चलाते थे, नंबर दो पर फरमाया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बढ़ई का काम करते थे, नंबर तीन पर फरमाया हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़े सीते थे, नंबर चार पर फरमाया हज़रत सौले अलैहिस्सलाम तिजारत फरमाया करते थे, नंबर पाँच पर फरमाया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी फरमाया करते थे, नंबर छः पर फरमाया हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और इसी तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियों की निगहबानी फरमाया करते थे, नंबर सात पर फरमाया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे की जीरा बनाया करते थे, नंबर आठ पर फरमाया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उमूर सल्तनत चलाया करते थे, इसी तरह से नंबर नौ पर फरमाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कल के लिए कोई चीज़ छुपाया नहीं करते थे, इसी तरह से नंबर दस पे फरमाया हमारे नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बकरियों की निगहबानी फरमाया करते थे, इसी तरह से अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम अपने हाथ से कपड़े बुनकर खुद भी पहनती और अपनी औलाद को पहनाया करती थी, इसी तरह से हाथ से कमाकर खाना और किसी हुनर कारीगरी और सनद को जरिया माश के तौर पर इख्तियार करना कोई मायूब नहीं, बल्कि सवाल से बचने और रिस्क हलाल कमाने की नीयत से पेशे इख्तियार करना बहुत बड़ी इसकी फजीलत और सवाब का काम है। हमारे माशरे में बहुत से पेशा ऐसे हैं जिनको कुछ लोग मायूब और कमतर समझते हैं, जो कि सही नहीं, दुरुस्त नहीं। बहरहाल हर वो जायज़ पेशा जिसमें अहकाम शरीयत के रियायत रखी जाए वो काबिल तहसीन है और काबिल बाबरकत है। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखकर अपने माशरे में रहें, अपने मुल्क की खिदमत भी करें, अपने लोगों की खिदमत भी करें और किसी भी पेशे को मायूब न समझें। वल्लाहु आलम। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरा।